सप्लीमेंट्री की जो एक्सरसाइज है इसमें तीन रूल हैं, एक तो साइन रूल है, कोसाइन रूल है, एक टैन के रूल हैं। तो ये तीन रूल्स के पहले प्रूफ करेंगे, फिर उसकी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे आफ्टर द एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, नॉट फॉर नंबर्स। तो प्रूफ ऑफ साइन रूल देखते हैं क्या ये। तो क्या बोला गया है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल जो उसकी डेफिनेशन है, किसी भी ट्रायंगल में द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द गिवन रेस्पेक्टिव एंगल्स। हम नहीं जाएंगे डेफिनेशन, हमें कोई चीज़ रटनी नहीं है, हमको कोई चीज़ समझनी ही कि ये क्या बात बोलना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, कोई सा भी ट्रायंगल, मतलब एक्यूट हो, ऑप्टिक्स हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो भी कोई हो, हर किसी के लिए ये बात कर रहे हैं वो। तो वो ये कह रहे हैं अगर आपने सपोज कोई भी ट्रायंगल लिया इस तरीके से, बस ये कंडीशन है कि कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा ना हो, 0 और 180 के बीच में हो। सही बात है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ए बी सी, सपोज ए के सामने वाली साइड मैंने ए ले लिया, एंगल बी के सामने वाली साइड को बी कंसीडर कर लिया, सी के सामने वाली साइड को सी कंसीडर कर लिया। तो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू साइन रूल, वो ये कहते हैं कि साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी हमेशा ये क्या आता है, इक्वल आता है हमेशा, ऐसा इनका कहना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे तीन कंडीशन है, किसी किसी बुक में एक ही डायग्राम के थ्रू प्रूफ हो रहा है, हम लोग एकदम प्रॉपर वे में तसल्ली से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करें उस पर भी इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब ट्रायंगल तीन कंडीशन के हमको मिल सकते हैं, तो हम यहाँ पे अगर हम इसको प्रूफ करने बैठते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्यूट ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, तो मैं तीनों के लिए आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा तसल्ली से, बहुत मज़ा आएगा इसे करने में। तो जल्दी से एक हम लोग एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल मतलब सारे एंगल 90 से छोटे हैं। सपोज मैं इसकी यहाँ पर ये ले लेता हूँ, अभी लिया तो वो भी एक्यूट ही था, ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, ये बी। अच्छा अब यार एक चीज़ देखो, यहाँ पे साइन बी साइन सी मतलब ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट आ रहा है, और ट्रिगोनोमेट्री तभी लगती है जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम लोग यहाँ से। ये इसीलिए तो आपने देखा होगा, मैंने 10th क्लास के इंट्रो पार्ट में भी बताया था ये कि क्यों राइट एंगल ट्रायंगल को लिया गया ट्रिगोनोमेट्री में। कहते ना कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, वो सारा कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल क्यों है, बिकॉज यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल इनटू राइट एंगल ट्रायंगल, जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, आप किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। अब चलिए अगर मैं इसकी बात, ये हाइट है, इसको मैं एच कंसीडर करता हूँ। तो चलिए अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए बी डी में, ए बी डी में साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एच अपॉन सी होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। तो सर एच बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सी इंटू साइन बी, ठीक है। ट्रायंगल ए सी डी में साइन सी लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, नाउ एच विल बी b इंटू साइन सी, ये क्वेश्चन सेकेंड, एक क्वेश्चन फर्स्ट, ये भी h है, ये भी h है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस b को इधर लेके आ जाइए, साइन b अपॉन b और साइन c अपॉन c, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत प्रूफ हो गया, अब सुनिए क्या किया, अभी हमने इस तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब हम दूसरी तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको बिल्कुल भी। अब सपोज मैं सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब ये पॉइंट सपोज मैंने डी लेड कर लिया, ये एच है, तो बस कुछ नहीं। अब ट्रायंगल, अब डायरेक्ट ही करता हूँ, चलो साइन ए लेता हूँ, साइन पी अपो साइन ए के सामने पी अपॉन एच, तो एच अपॉन बी, देखो ना एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है। तो एच बराबर क्या आ जाएगा डियर, बी इंटू साइन ए, इक्वेशन थर्ड। अब इसमें लेता हूं साइन बी एच अपॉन ए, तो एच क्या होगा यहां पर, साइन बी इंटू ए,
ये भी एच है, ये भी एच है, भैया यार लिख दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से b इंटू साइन ए इक्वल्स टू ए इंटू साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी। इक्वेशन b देखिए ये साइन बी अपॉन बी इसके इक्वल है, साइन बी अपॉन बी इसके भी इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हो गया प्रूफ, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी। अच्छा सुनो अब क्या है कि हमने अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया तो उसके लिए ये हमने प्रूफ किया, बट मैथ्स में अगर आप कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करते हो तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, यूनिवर्सल प्रूफ होना चाहिए कि ऑब्ट्यूस के लिए या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं है, तो उसको देखेंगे। अब मैं इस डायग्राम हटा के हमें यहाँ पे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा जिसका ऑब्ट्यूस मीन जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रूफ करेंगे फॉर ऑब्ट्यूस ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें क्या वही वाला कंसेप्ट साइन बराबर भैया साइन बी साइन सी प्रूफ करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ए बी सी डी ये मान लो एच हो गया, अब ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा ये एंगल सी है तो यार ये अंडरस्टूड है 180 माइनस सी होगा लीनियर पेयर से, ठीक है जी। तो ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी साइन बी पी अपॉन एच ये 90 या 90 साइन वाला एस सी, तो यहाँ पे क्या होगा एच इक्वल्स टू साइन बी इंटू सी पहले। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी डी, यार देखो ना यार ए सी डी भी राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी डी, तो साइन थीटा मतलब साइन 180 माइनस थीटा पी अपॉन एच एच अपॉन बी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है यार, करके देख लो सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो साइन सी विल बी, तो यहाँ से एच क्या होगा बी इंटू साइन सी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सी इंटू साइन बी और बी इंटू साइन सी, तो डियर साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन ए दे दिया, ठीक है जी। अब हमने क्या किया यहाँ से भी परपेंडिकुलर डा, हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते, क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, क्योंकि यार ए तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है, ए तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं इसमें। अब मैं यहाँ से ये चीज़ हटा के यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ 90 डिग्री, ठीक है जी। हमको प्रूफ करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया डी पॉइंट, ये हो गया ये एच हो गया, तो अब निकालो साइन बी, देख साइन बी एच 90 के साथ, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, पर 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज ए, तो देखो क्या आएगा यहाँ से एच विल बी ए इंटू साइन बी। अब लेंगे साइन ए, साइन ए के लिए पी अपॉन एच 90 के सामने वाला बी, तो एच इक्वल्स टू बी। अच्छा ये सब समझ आ रहा ना 90 के सामने वाला क्या फलान टेबल, क्योंकि यार ये 10th की चीज़ें हैं। देखो एक बार बताते हैं इस वाले ट्रायंगल में 90 ये है साइन ए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये भी एच है ये भी एच है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ए इंटू साइन बी बी इंटू साइन ए, तो बस ये इधर आ जाएगी ए इस तरफ जाएगा इस तरफ आएगा साइन बी अपॉन बी साइन ए अपॉन इक्वेशन बी। अब इक्वेशन ए एंड बी से यार देखो यही हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर भी बताएंगे, उसका बच्चे बहुत वेट करते हैं यार, उसका लॉजिक थोड़ा बच्चों को कम क्लियर होता है, तो इसी तरीके से हो जाएगा सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे क्यों लॉजिक है इसमें, अभी तक हम लोगों ने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया था उसको हमने एच लेट किया था,
ठीक है, यहाँ पर यार पहले से ही परपेंडिकुलर है, अगर आप एक और परपेंडिकुलर डालोगे तो इसी के वो ओवरलैप हो जाएगा, इसी के ऊपर ही आ जाएगा ना। तो मैं आपसे कहता हूँ, सपोज मैंने एक, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अब मैंने कंस्ट्रक्ट किया ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, मैंने एक ए डी है जो बी सी पे क्या किया, परपेंडिकुलर किया, तो भैया वो इसी के वो ओवरलैप हो जाएगा, और उसका नाम हम यहाँ पे क्या दे देंगे, डी दे देंगे, मान लो डी, और उसकी लेंथ क्या है, एच है, परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया, जबकि ओवरलैप हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने यही किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल कंसेप्ट से होगा। देखिए साइन ए ए अपॉन सी, देखो ना 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला बेस, सॉरी परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन एच, तो यहाँ पे क्या निकल गया आएगा, ए इक्वल्स टू साइन ए इंटू सी, ऐसे ही साइन बी, बी अपॉन सी, तो यहाँ से बी क्या निकल गया आएगा हमारे पास, हमारे पास यहाँ से बी क्या निकल के आएगा, बी क्या निकल के आएगा, सी इंटू साइन ए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। अब ये इक्वल तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, अगर हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालते, सपोज मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालता हूँ, तो सी बराबर सुनो क्या आएगा, ए अपॉन साइन ए, यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, बी अपॉन साइन बी, तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन, इसको हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं, क्यों, अगर 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 4 बराबर हैं तो 4 अपॉन 2 और 2 अपॉन 1 भी बराबर होंगे, तो मैं इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो कुछ नहीं था, यहाँ तक तो कोई भी लॉजिक नहीं था, तो बहुत सिंपल था, ठीक है। अब जो लॉजिक है उसको देखो, अब हमको ये प्रूव करना है, पूरा दो तो आ गए, अब सी वाला कैसा है, तो यहीं से लॉजिक है, इसको सारे बच्चे समझेंगे। मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ, इस इक्वेशन कंसीडर करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी इक्वल्स टू सी इंटू साइन बी, अब यहीं से लॉजिक है, समझेंगे उसको जरा, ऐसा नहीं मैं इसको कंसीडर किया, मैथ्स है, रटाता मैं कुछ होने के ना, मैं खुद रटता हूँ कि इसको, सर आपने इसको कंसीडर, अरे इससे भी लेके दिखा दें, कुछ नहीं कंसेप्ट समझना भी आप, क्या मैं बी को बी इंटू वन लिख सकता हूँ, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी डाउट होगा आपको, ठीक है। क्या मैं 1 को साइन 90 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, और सी क्या एंगल है, सी भी तो 90 डिग्री है, क्या मैं 90 की जगह साइन सी नहीं लिख सकता, सुनो साइन सी की वैल्यू भी 1, साइन 90 की वैल्यू भी 1, क्यों सी 90 है, बस यही लॉजिक था माय डियर, यही लॉजिक था, तो बस साइन सी अपॉन सी साइन बी अपॉन बी, इक्वेशन बी इक्वेशन ए एंड बी से यही लॉजिक था बस। अगर आप ए को लेते तो ए इंटू वन हो जाता, ठीक है ना, ए इंटू, फिर उसको हम क्या लिखते, साइन सी, तो साइन सी अपॉन सी साइन ए अपॉन ए, लॉजिक हम रटेंगे नहीं यार, रटेंगे मैथ को, फिर मैथ्स को हिस्ट्री थोड़ी ना बनाना है, तो बस इस तरीके से साइन रूल कर रही। अभी क्या चल रहा है इसका, सप्लीमेंट्री का हमारा इंट्रो पार्ट है, इंट्रो पार्ट में एक एक प्रूफ बताऊंगा आपको, फिर कॉस वाले का ही बताऊंगा, फिर उनके एग्जांपल देन एक्सरसाइज, तसल्ली से करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, एंजॉय करना है।